across live and listening. बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास जारी है. माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए. ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आकलन करके ही दी जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए. इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे. इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए. खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो. इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी. उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना होगा. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, उनके अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जाए. जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों इत्यादि का सहयोग ले सकते हैं. इसी प्रकार वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का, जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए. यद्यपि स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है. राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए. इसी प्रकार यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है. इसी प्रकार के प्रयास से कोविड 19 के परीक्षण, उपचार और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाकर उनमें फैली भ्रांतियों को दूर करना है, उसमें हमें मदद मिलेगी. माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए एक SOP आज जारी किया है, जिससे कि वो जो अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके. इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है. सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस SOP के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं. धन्यवाद. ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज. हमने अब तक 386,791 टेस्ट किए हैं, 386,791. उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए. उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अभी लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ते जा रही है, 194 लैब्स ICMR नेटवर्क में हैं, उनमें हुए. 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल ज्यादा, काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है. हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज. अब तक 2,231 पीपल दे हैव बीन क्योर्ड एंड विच टेक्स आर परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर क्योर्ड इज टू 14.19%.
कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द टू अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीडअप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स विच विल बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ पीपल फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज, लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहां पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहां पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलीनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है, यहां पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहां पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को एंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी इवन इन दीज रिलैक्सेशन एरियाज, आई वुड लाइक टू साइट एंड ब्रिंग टू योर नोटिस, दे आर प्राइमरली पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट बाय एयर, रेल, रोड, एक्सेप्ट जहां पर कि वहां पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो, एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अनलेस एंड टिल दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स एटसेट्रा, सोशल,
पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मेलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों। COVID-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहां रिलैक्सेशन दिया गया है वहां 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इंप्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कोऑपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलो करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं, डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, विच टेक्स टू द टोटल डेडिकेटेड फैसिलिटीज वेयर सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड टू 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे कर्नाटक में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार का विक्टोरिया हॉस्पिटल जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है दक्षिण भारत में उत्तम चिकित्सा के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 1901 में शुरू हुआ। यह अस्पताल उस वक्त के शाही घराने वाडियार परिवार की पहल थी जब बेंगलुरु प्लेग जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह अस्पताल उस वक्त लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा और अब जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। यह अस्पताल COVID-19 के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इस अस्पताल में विशेष इलाज के लिए अलग शाखाएं हैं और यहां का इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर COVID-19 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड में 500 से अधिक बेड्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। विक्टोरिया अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यहां की डीन डॉक्टर CR जयंती और उनकी टास्क फोर्स जो दिन रात यहां कोरोना के खिलाफ मैदान संभाले हुए हैं। First and foremost, we formed a COVID task force team and set up various committees to look out all the logistic details. And most importantly, we started with the sensitization programs for our healthcare professionals. These sensitization programs include donning and doffing of the personal protective equipment, which is the most important part to keep them safe. Number two, we discussed the treatment protocols. And number three, we also discussed the ICU treatment protocols. इस अस्पताल के कोरोना वार्ड में बेड्स के साथ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जैसे ही इस वार्ड को कर्नाटक सरकार ने कोविड वार्ड घोषित किया यहाँ के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। उन्हें PPE के इस्तेमाल, कोरोना मरीज के सर्वेलेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेनिंग भी दी गई। अस्पताल के एफिलिएटेड कॉलेज में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहां से सीधा अस्पताल में कोविड वार्ड के मरीजों पर नजर रखी जा सकती है। डॉक्टर्स की एक टीम इस कंट्रोल रूम में कोविड वार्ड पर नजर रखती है और मरीजों से बातचीत भी करती है। This is the main war room, what we call it is war room. So we'll be coordinating with the doctors who are working inside the zone. I mean the place where the patients are. So we'll not be going there. One week, one shift of doctors will go there. They'll stay there in a separate building. They'll not come out for that 1 week. And we can also do video conferencing with the doctors inside. So any senior staff can come here, do video rounds. And in the psychiatry counseling for the patients, if patient gets agitated, depressed during the course of 2 weeks, can be counseled from here itself.
अस्पताल में कोविड 19 से पीड़ित मरीजों को अलग अलग जोन में रखा जा रहा है और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें अलग श्रेणी में बांटा गया है। वायरस पीड़ित मरीजों से कम एक्सपोजर हो इसलिए विशेष इंक्यूबेटर बनाए गए हैं ताकि डॉक्टर संक्रमित न हो। इसके अलावा इन वार्ड्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीज को दवा और खाना पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अस्पताल में मौजूद लैब भी पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार की गई है। हालांकि बेंगलुरु हॉटस्पॉट घोषित होने के चलते इस अस्पताल में शहर के अलग अलग हिस्सों से आए मरीज यहां इलाज करवा रहे हैं, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल राज्य के दूसरे जिलों को भी मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में विक्टोरिया अस्पताल देश भर में कोविड 19 के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपना योगदान दर्ज कर कई जिंदगियां बचाने के प्रयास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमने इससे पहले भी आप सबसे कहा है कि मास्क और फेस कवर का यूज एक बैरियर के रूप में काम करेगा, पर्टिकुलरली जहां डेंसिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और साथ में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। यह बैरियर हमें एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस बोथ मास्क और फेस कवर के लिए ऑलरेडी इश्यू की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय की जो डायरेक्शन है उसमें भी कहा गया है कि वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपल्सरी इन ऑल पब्लिक एंड वर्क प्लेसेज। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी अपील के तहत हमारे देश के क्रिकेटर की एक अपील भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूं। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बना लिया एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है, बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी भाजी आपका मास्क कहाँ है? ये नहीं, मैंने ये बनाया है, ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है, ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। हमें फेस कवर्स और मास्क का हमेशा प्रयोग करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेस कवर्स को इस्तेमाल करें और इस फोर्स को ज्वाइन करें। मेक योर ओन मास्क एंड ज्वाइन द मास्क फोर्स। आज जरूरत है कि हम सब लोगों को एफर्ट्स करने हैं कि जो भी हमारे जिले रेड जोन के अंदर आते हैं उनको नेक्स्ट 14 दिन तक वहां केसेस ना आए, एफर्ट्स ऐसे हों कि उसको हम ऑरेंज कन्वर्ट करें और नेक्स्ट 28 दिन तक वहां कोई केस ना आए और उसके तहत हम उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। इस एफर्ट में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्वेश्चन फॉर ICMR फ्रॉम ऑनलाइन क्वेश्चन। साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैव क्लेम्ड दैट चैडॉक्स 1 वैक्सीन कैन वर्क अगेंस्ट द कोरोना वायरस, बट इज ICMR टेक ऑन दिस? जैसा पहले भी हम बोल रहे थे कि 70 अलग अलग ग्रुप्स वैक्सीन की खोज में जुड़े हुए हैं, उनमें से ये एक ग्रुप है और चार ग्रुप्स हैं, यानी टोटली 5 ग्रुप्स ह्यूमन फेज में आ रहे हैं, यानी एनिमल स्टडीज पास कर चुके हैं, एनिमल को कुछ होता नहीं साइड इफेक्ट करके मेजर, और उसका असर यानी जो एंटीबॉडीज डेवलप होना है वो दिख रहा है, इससे वो आगे जा रहे हैं। जो भी कोई साइंटिस्ट का ग्रुप होता है उस सभी को तो आशा रहेगी, उसके सिवा तो वो आगे जाएंगे नहीं। हम भी एक आशा रखना जरूरी है कि ये शायद सक्सेसफुल हो जाए। जो भी सक्सेसफुल हो उसका फायदा तो सब हम लोगों को भी मिलेगा,
जैसे ये आगे जाएगी ट्रायल, ये अप्रैल महीने में शुरू हो रही है, 6 महीने के अंदर इनका 500 का रिक्रूटमेंट होने का अंदाज है और उसके रिजल्ट्स आएंगे, शायद उससे पहले ही रिजल्ट्स लाने की इंटरिम एनालिसिस में ज्यादा अंदाज आएगा, फिर उसको देखा जाएगा। मिस्टर प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज। लवग्रा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो अगर आप एक फिगर बता पाएं कि कंटेनमेंट जोन का जो आपने पिछला फिगर दिया था हॉटस्पॉट्स का, वो क्या उसमें वेरिएशन आया है, और जिन भी जगहों पे ये रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसके लिए क्या आधार और क्या आकलन लिया गया है, और जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दिए गए हैं खासतौर पर कामकाज को लेके, उसमें जो लोग काम करने के लिए जाएंगे उनके टेस्टिंग को लेके या उनकी सुरक्षा को लेके आम आदमी लोग कैसे आश्वस्त हो सकते हैं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारा क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट ये है कि जहां पर केसेस अधिक संख्या में हैं या जहां पर डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इसके तहत हमने स्टेट्स को ऑलरेडी आदेश दिए हैं, उस आदेश के तहत हमने कहा है कि आप अपने केसेस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि केसेस एक डायनेमिक, एक रूलिंग नंबर है, और उसके बेसिस पर स्टेट रेगुलर बेसिस पर उन जिलों को ऐड करते रहेंगे। विद इन दोज डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रेड जोन में आएंगे या जिसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे, वहां पर क्लस्टर कंटेनमेंट या आउटब्रेक कंटेनमेंट प्रोसेस के तहत वह कंटेनमेंट एरिया डिफाइन करेंगे और उस कंटेनमेंट एरिया में बिना रिलैक्सेशन के इसेंशियल एक्टिविटीज, इसेंशियल कॉमोडिटीज और सर्विसेज के अलावा वहां पर वो सारी जो सर्विसेज हैं वो स्थगित रहेंगी। रिगार्डिंग इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और जो हमारे फूड और से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी रहे हैं, वह सब जारी रहेंगी। इसके साथ ही जो हमारे फील्ड वर्कर वहां काम करेंगे वो हाउस टू हाउस जाएंगे, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेज और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेज का हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे के तहत या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पेशेंट्स आएंगे या जो भी पर्सन हम पाएंगे उनको हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के तहत हम सैम्पलिंग करेंगे और उसके बेसिस पर उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन, इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू रिवाइज इट्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी एंड स्क्रीन ऑल पेशेंट्स हु कम टू द हॉस्पिटल विद फ्लू लाइक सिम्टम्स? जैसे पहले भी, अब शायद वही दोहरा रहा हूं जो पहले काफी बार बोल चुके हैं कि जो भी हॉटस्पॉट्स हैं वो हॉटस्पॉट्स में जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स होंगे यानी फ्लू के वैसे, उनको सारे लोगों को ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। ये हमको सिर्फ याद रखना है, ये सिर्फ हॉटस्पॉट्स में लागू हो जाएगा। आई थिंक कमल जस्ट वी आर गोइंग बाय 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 जस्ट That was the Health Ministry of India addressing the media and answering questions on the progress of India's fight against the COVID-19 pandemic. We take a short breather here at the stage. News and updates continue on the other side.